बदाम लीजिए, आपसे निवेदन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में करें, बिना फ्लाइट मोड के उपकरणों को रन के दौरान बंद रखें। So we are headed to Sikkim. Just waiting to take off. मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस लुटना नहीं चाहता। मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर तो हम उड़ गए। हम भी बहुत बेताब हैं आपकी तरह, हम माने। और ये हम लगभग 20 साल बाद एक ट्रिप पे साथ जा रहे हैं, मगर दो अलग अलग गाड़ियों में। ड्यू टू कोविड वन कार कैन हैव ओनली 4 पीपल। धत तेरे की। आने वाले दिनों में ये हंसी के पीछे से बहुत उल्टियां निकलने वाली है। नहीं नहीं, मैंने एक भी नहीं की। और ये है सिक्किम का एंट्री पॉइंट। चलो शुरू करें एक नया सफरनामा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाकी रह गया, पर अब सीधा पॉइंट पे जाते हैं। नथुला पास पॉइंट। Small waterfall on the way. So how's your drive been? Amazing. We've taken a halt for snacks and tea before we head to the Nathula Pass. Lovely. एक पूरा जम जाता है बाजू बाजू में। माधुरी पहला कौन सा है? माधुरी मधु वाला। चलो उठा लिया। Chinese post. On my right is the Indian post. They give you a certificate that you visited this spot, but you can't do photography on the top.
because that is the international border. If you step, if you take a step, you reach China. बूम हो गया, मतलब तुम एक गाड़ी के चले गए, एक पत्थर भी फेंक दो चाइना में गिरते सर। So now you are getting down. बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है, वो मरने का बाद भी वो ड्यूटी करते हैं। तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, सो वी आर राइट एट द बाबा मंदिर यो। अभी सिर्फ 2:30 बजे थे पर हम जल्द ही एक बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाले थे। We are at this lake, you can see behind, and around me there are a lot of these yaks. Just came down from the Baba Harbhajan Mandir and suddenly weather turned out to be very cold. इतनी मस्ती में वक्त कैसे कटा पता ही नहीं चला। बस 5 और मिनट यही बोल बोल के हम मस्ती करते गए पर इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। हम इस बात से अनजान थे कि दोपहर के बाद जाने वाले रास्ते में शायद फॉग आ जाए, और फॉग तो आया, आधे घंटे में ही 5:15 को सनसेट हो जाएगा। विजिबिलिटी तो समझो ना के बराबर, आप जो कैमरा में देख रहे हो वो भी एटलीस्ट 30-40% ज़्यादा है एक्चुअल विजिबिलिटी से। हमारी गाड़ी 10-15 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं सकती थी, पर जितना वक्त बीतेगा उतना ही अंधेरा बढ़ेगा। वो सारे खूबसूरत नज़ारे जो हमने ऊपर आते वक्त देखे, अब वही पूरा रास्ता हमें उतरना था बिना कुछ दिखाई दिए। हौले हौले हमारी माउंटेन सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भी हनुमान चालीसा में बदल गई। काश हमने हमारे ड्राइवर की सुन ली होती, पर अब हम भी फंस गए थे और वो भी। अब तो सिर्फ यहाँ से निकलना था। फाइनली हम चेक पोस्ट तक पहुँच गए और हमारे ड्राइवर को फाइन भी नहीं लगा लेट पहुँचने के लिए, क्योंकि शायद हम जैसे काफ़ी लोग आज फंस गए थे। हमने इंडिया और चाइना के साथ साथ सज़ा और मज़ा के बीच की भी बॉर्डर देख ली, और यही था हमारा सबक। मुंबई के ट्रैफिक के बाद आज फिर से एक और बार ट्रैफिक देख बहुत अच्छा लगा। एमजी मार्केट में हम डिनर करके आइसक्रीम खा के सो गए। ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ देखना है।